आपने जो बात बोली है, मैं एक बार वरुण जी आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले मैं सारे मेहमानों से एक रिएक्शन लेना चाह रही हूँ एक बार जरा, क्योंकि यहाँ अवधेश जी भी आ गए हैं। मैं पहले सबसे पहले अनुराग जी के पास जा रही हूँ। अवधेश जी आपके पास आऊँ, अनुराग जी का फ्रेम कहाँ है? ठीक है, अनुराग जी के पास वापस जाती हूँ। अवधेश जी जरा ये बात बताइए, इस पूरे चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो संविधान को खत्म करना, संविधान पर वार करने का रहा है। अब संविधान पर इमरजेंसी एक काला धब्बा है कि नहीं, संविधान को खत्म करने की कोशिश थी कि नहीं, और उसको अगर संविधान हत्या दिवस कहा जाता है तो कांग्रेस कह रहा है हम तो मोदी मुक्त दिवस भी मनाएंगे, 4 जून को मोदी मुक्त दिवस था। नहीं, संविधान को खत्म करने की कोशिश नहीं थी, इमरजेंसी के दौरान संविधान खत्म हो गया था। हाँ, बिल्कुल, उसको इस रूप में कहना पड़ेगा। यस, क्योंकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के रूप में जो भी फैसला करेंगी उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था। संसद के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे, प्रेस के अधिकार खत्म कर दिए गए थे, पूरी शक्ति एक व्यक्ति में निहित हो गई थी। तो संविधान था ही नहीं, वो केवल वही था कि जो इंदिरा जी बोलेंगी, जो करेंगी, जो कहेंगी, वही देश का संविधान होगा, ये था। तो उस समय तो किताब हो रहा नहीं है, और बाद में भी जो उन्होंने किया उस समय संविधान में, वो जो संशोधन हुआ वो आज तक हालांकि हटा नहीं है। तो इसीलिए ये जो नरेंद्र मोदी सरकार की घोषणा है, ये तो तात्कालिक रूप से जैसे को तैसे का जवाब भी एक तरह से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो नीति रही है, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। जब इन्होंने राहुल जी ने कहा था कि चौकीदार चोर है, तो उन्होंने एक नारा दिया कि सब हम सब चौकीदार हैं, और वो नारा चला था। अब जब आप पहले चुनाव में संविधान खत्म कर देंगे, ये जो झूठ चलाया गया भयानक रूप से और लोगों तक पहुंचा, और सबसे उसमें जो दुख का विषय था कि जिस दिन संसद का नए संसद का अधिवेशन शुरू होना है, लाल रंग का संविधान लेके सब लोग लहरा रहे थे कि हम संविधान के रक्षक हैं। तो एक बार इस देश में इस पर बहस हो जानी चाहिए, देख लेना चाहिए कि संविधान के रक्षक कौन है, भक्षक कौन है। ये तो मैं समझता हूं कि ये घटना आपातकाल है। नेहरू जी ने जो पहला संशोधन किया, या केरल की कम्युनिस्ट सरकार को जिस मामले में उन्होंने बर्खास्त करके पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया था, वो भी देश के सामने आना चाहिए कि क्या उस समय केरल की सरकार को बर्खास्त करना, जो आपके विचार के विपरीत थी, वो संविधान की रक्षा का कदम था या कुछ और था। और जो 100 बार इस देश में राज्यों में आपातकाल लागू हुआ है, 100 बार कांग्रेस ने करीब करीब किया है, 90-99-91 बार, वो क्या इस देश में संविधान की रक्षा था? इस देश में इस विषय पर बहस होनी चाहिए। और वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं भैया 25 जून 1975 के मनाने से रोजगार और बेरोजगार पर क्या असर होगा, क्या लोग बेरोजगार हो जाएंगे? संविधान की रक्षा से बड़ा प्रश्न इस समय क्या है, राहुल जी स्वयं कहते हैं। और अंतिम बात सुचरिता, जब राहुल गांधी खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने जो अयोध्या का आंदोलन था उसको हमने हरा दिया है, इतना बड़ा दम्भ और अहंकार दिखा सकते हैं कि 1528 से जो आंदोलन चला है जिसमें सिखों ने बलिदान दिया है, उसको खड़ा होकर कि हमने हरा दिया है क्योंकि हम संविधान के रक्षक हैं, तो उसका उत्तर तो सामने देना पड़ेगा, देश तय करेगा। मैं एक बार ब्रिजमोहन जी के पास जा रही हूँ। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किशोर तिवारी जी भी जुड़ेंगे, तो उनको जरा पहले जोड़ लीजिए जल्दी से, उसके बाद मैं जरा एक बार पहले ब्रिजमोहन जी के पास चली जाऊं। ब्रिजमोहन जी, ये जो पूरी इमरजेंसी की गाथा है, आपने तो देखा है किस तरह से इस पूरे चुनाव के दौरान इमरजेंसी का मुद्दा बनाए रखा। अब इमरजेंसी पर जिस तरह से इस पूरे चुनाव में संविधान को रौंदने वाले नरेंद्र मोदी, संविधान को खत्म कर देंगे अगर ये आएंगे सत्ता में, अगर इतनी दिक्कत है तो ये तो संविधान हत्या दिवस है, यानी कि उन सब के खिलाफ जो संविधान को छेड़ेंगे, जो संविधान के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ करना चाहते हैं, इसको सही ठहराने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए? देखिए सुचेता जी, ये जो मुद्दा है, एक तो इमरजेंसी का मुद्दा है, और दूसरा जिस प्रकार से अभी चुनाव के दौरान INDIA के लोगों ने जनता के बीच में एक गलत तरीके से इस बात को रखकर जिस प्रकार से जनता को भ्रमित किया है, वो एक दूसरा पहलू है। मैं पहले पहलू पे आना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक बात है, उस समय हम लोग स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी थे, और हमारे कई साथी भी उस समय जो हमसे कुछ वरिष्ठ थे, उनमें से कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी उस दौर में, क्योंकि वो लोग कहीं पर इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। तो ये जो उस समय का जो एक आतंक था, वो इतना खतरनाक आतंक था कि लोग एक दूसरे से मिलने में, एक दूसरे से बात करने में कतराने लगे थे। और निश्चित रूप से उस समय संविधान का पूरा दुरुपयोग हुआ था,
और मैं सोचता हूँ अगर उसकी जानकारी सरकार एक कार्यक्रम के माध्यम से देश के लोगों को देना चाहती है, क्योंकि हमारी आज की जो जनरेशन है उसके सामने भी ये हकीकत पहुँचना चाहिए कि संविधान के साथ पिछले दौर में किसने क्या किया, इसकी जानकारी अगर होगी तो मैं ये एक अच्छा प्रयास है। अब जहाँ तक बात अभी इस दौर में, इस चुनाव के दौर में जिस प्रकार से INDIA ने गलत नैरेटिव पैदा करके इस प्रकार की बात की जैसे कि जो वर्तमान NDA सरकार है वो अगर उसको बहुमत मिल जाएगा या उसके या BJP को ज़्यादा बहुमत मिलेगा तो वो संविधान में परिवर्तन कर देंगे, इस बात को जब उन्होंने कहा तो उन्होंने उस समय कभी भी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा कि उस दौर में उन्होंने क्या किया था। ये बात भी सच है कि जितनी शक्ति के साथ इस बात को हम लोगों को जनता के बीच में कहना चाहिए था, जिस प्रकार से हमको उसका काउंटर करना चाहिए था, उस दौर में हम लोग नहीं कर पाए, पर इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि आज उस मुद्दे को जनता के सामने रखना गलत है। निश्चित रूप से ये जानकारी लोगों को होना चाहिए कि किस प्रकार से INDIA ने गलत जानकारी देकर एक बहुत अच्छी सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, जिस प्रकार से उनके सामने आने वाले 25 साल का उनके सामने एक ब्लूप्रिंट था कि वो देश को किस प्रकार से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अगर ये संविधान हत्या दिवस मनाएंगे तो हम तो मोदी मुक्ति दिवस मना रहे हैं 4 जून को, क्योंकि देश से मोदी को मुक्ति मिल गई, लोगों ने मोदी के लिए वोट नहीं किया, उनका ये पलटवार आ रहा है। अब सवाल ये है कि मोदी मुक्ति दिवस कैसे हो गया 4 जून? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? देश ने किसे चुना है? ये सवाल तो पूछा जाएगा। और अगर इमरजेंसी को इमरजेंसी ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? ट्विन जी बोला जा रहा है, ट्विन जी बोलिए, बोलिए ट्विन जी। देखिए कांग्रेस, ये बड़ी शर्म की बात है कि पिछले 5 हफ्ते से कांग्रेस इस प्रकार से डिप्रेशन में है कि भ्रम में जी रही है और लाख कोशिश कर रही है कि इस देश को कैसे भ्रमित करें। 4 जून को अगर मोदी मुक्ति दिवस वो कह रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता कि पिछली बार 240 सीटें उनको 1984 में 40 साल पहले आई थी और आज वो हमारी 240 सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। आज पहली बार विश्व में कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी मैं देख रहा हूं जो 5 हफ्ते से अपने तीसरे हार का जश्न मनाते नहीं थक रही है। तो कांग्रेस यदि भ्रम में जीना चाहती है, ये कांग्रेस का अपना चॉइस है, उनका विकल्प है। लेकिन जो इन्होंने जो हरकतें की है, और मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहता हूँ। कर्नाटक का एक विषय है, 2 दिन पहले आया है, जिस प्रकार से SC ST के लिए जो निर्धारित फंड्स थे SC ST समाज के उद्धार के लिए, जिस प्रकार से उस पर डाका डाल के कांग्रेस जो है अपने फेक प्रोमिसेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है, ये भी संविधान का जो मूल सार है उसके साथ एक खिलवाड़ है। जिस प्रकार से 7 दशक बाद पहली बार लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के लिए जबरदस्ती कांग्रेस ने अपने 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 प्रत्याशी को खड़ा किया, जबकि कोई गुंजाइश नहीं थी कांग्रेस के प्रत्याशी को जीतने की, वो भी संविधान के सार के साथ खिलवाड़ है। तो ये कांग्रेस पार्टी जो है संविधान द्रोही है, और इसलिए एक बार अनुराग जी के पास जा रही हूं। बहुत जरूरी है अनुराग।